हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था माइक्रो प्रोसेसर 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर। ओके, होपफुली आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज हमारा न्यू टॉपिक है सीक्वेंशियल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जो पेपर पूछ सकते हैं। एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमारा 16 बिट का प्रोसेसर होता है। 16 बिट का प्रोसेसर है, इसका मतलब 16 बिट की ALU है, 16 बिट की डेटा बस है। तो इसका मतलब हमारा 16 बिट को वो एक साथ प्रोसेस करता है। हम सभी को पता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 1 MB की मेमोरी होती है। ओके, लेकिन उस 1 MB की मेमोरी में जितनी भी हमारी मेमोरी लोकेशंस होती हैं, हर लोकेशन में हमारा 8 बिट का डाटा स्टोर होता है। ओके, यानी 16 बिट का डाटा होता है, 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमारा 16 बिट का डाटा प्रोसेस करता है, लेकिन जो उसकी मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जो प्रत्येक रजिस्टर होता है वो 8 बिट का डाटा स्टोर करता है। इसका मतलब 16 बिट का डाटा वो प्रोसेस कर रहा है, इसका मतलब हमारी डाटा बस 16 बिट की है, तो 16 बिट हमारी जाएंगी, लेकिन वो 16 बिट को स्टोर करने के लिए एक साथ दो मेमोरी लोकेशंस कंज्यूम होती हैं। ठीक है भाई, एक साथ 16 बिट तो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी नहीं, हमें मतलब हमारी मेमोरी की दो लोकेशन एक साथ कंज्यूम होंगी। इसीलिए इफेक्टिवली कैसे होता है ये सब काम, अच्छे से कैसे होता है, तो मेमोरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए 8086 को की मेमोरी को दो बैंक्स में बांटा जाता है। ओके, तो ये टॉपिक को डिस्कस करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई 8086 प्रोसेसर जब 16 बिट का प्रोसेसर है, तो प्रत्येक मेमोरी में जितनी भी लोकेशंस होती हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो 16 बिट का डाटा क्यों नहीं स्टोर करते हैं? नहीं करते, 8 बिट का डाटा स्टोर करते, तभी तो 1 MB की मेमोरी हुई ना। तो 8 बिट का डाटा स्टोर होता है हर लोकेशन में, लेकिन डाटा तो 16 बिट का है, तो वो 16 बिट का डाटा मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, माइक्रोप्रोसेसर कैसे 8086 माइक्रोप्रोसेसर को 8086 माइक्रोप्रोसेसर कैसे 16 बिट का डाटा मेमोरी में स्टोर करता है, उसके लिए 8086 प्रोसेसर के लिए जो मेमोरी होती है 1 MB की, उसको इफेक्टिवली डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी मेमोरी को, 1 MB की पूरी मेमोरी को दो बैंक्स में बांटा जाता है। ओके, वो बैंक है आपके इवन बैंक एंड ऑड बैंक। ठीक है, इवन बैंक मतलब जिसमें इवन वाली मेमोरी लोकेशन होंगी, जैसे 00000H, 00002H, 00004H, ठीक है, इवन नंबर्स वाली, और ऑड बैंक में ऑड मेमोरी एड्रेस वाले एड्रेसेस होंगे। यानी पूरी मेमोरी को इवन और ऑड में बांट दिया, इवन बैंक में इवन एड्रेसेस होंगे, ऑड बैंक में ऑड एड्रेसेस होंगे। ठीक है, अब उन बैंक्स में उन मेमोरी उस मेमोरी के उस मेमोरी के इवन वाली मेमोरी में या ऑड वाली मेमोरी में किस तरह से डाटा रीड होगा, किस तरह से डाटा राइट होगा, यह सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? BHE bar और A0 के द्वारा। BHE bar के फुल फॉर्म होते हैं बस हाई इनेबल। ओके, बस हाई इनेबल के द्वारा और A0 के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि डाटा हमारा इवन बैंक से या ऑड बैंक से रीड या राइट किस प्रकार किया जाता है। तो ये सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? BHE bar A0 के द्वारा। ये हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज 8086 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। ये हमारी 8086 प्रोसेसर की मेमोरी है, ये प्रोसेसर नहीं है बच्चों, ये मेमोरी है 1 MB की मेमोरी, किसकी? 8086 माइक्रो प्रोसेसर की। ठीक है, इस मेमोरी को दो बैंकों में बांट दिया। ठीक है, इस पूरी मेमोरी को दो बैंकों में बांट दिया। ठीक है, ओके, इसको मैं और थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूँ। एक्चुअली ये 1 MB की मेमोरी लिखा ज़रूर है, बेसिकली दिस इज 8086 प्रोसेसर इन विच D15 टू D8 लाइन होती है एंड D7 टू D0। ठीक है, मतलब 16 बिट की डाटा बस होती है, किस फॉर्म में? D0 टू D15 के फॉर्म में। ठीक है, ऑड मेमोरी बैंक में ऑड वाले एड्रेसेस होंगे, इवन मेमोरी बैंक में इवन वाले एड्रेसेस होंगे। ऑड बैंक किससे कनेक्टेड है? D15 टू D8 से, यानी हायर ऑर्डर डाटा बस। इवन बैंक लोअर ऑर्डर डाटा बस से कनेक्टेड है, यानी D15, D14, D13 से लेकर D8।
इवन बैंक किस डाटा लाइन से कनेक्टेड है, D7 से D0। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये। मैंने अभी जस्ट बताया था कि इवन बैंक में या ऑड बैंक में डाटा रीड होगा या भाई डाटा या तो यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा, डाटा यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे जाएगा तो इनके द्वारा जाएगा D15 टू D8 में, अगर D15 टू D8 के द्वारा इसमें जाएगा, अगर इसमें जाना है डाटा तो वो D7 टू D0 के द्वारा जाएगा। ठीक है, अगर हमारा डाटा रीड हो रहा है तो डाटा इवन से, अगर ऑड मेमोरी बैंक से डाटा रीड होना है तो D15 टू D8 के थ्रू ही आएगा, और अगर इवन मेमोरी बैंक से रीड होना है तो वो D7 टू D0 के द्वारा आएगा। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है ये सब। अगर BHE बार A0 जीरो जीरो है तो हमारी 16 बिट रीड होंगी या राइट होंगी इनटू रीड इनटू द मेमोरी। ठीक है, कहने का मीनिंग यह है कि रीड या राइट डिसाइड होना तो रीड बार और राइट बार पे डिपेंड करता है। माइक्रो प्रोसेसर ही कंट्रोल सिग्नल इशू करता है, अगर उसको डाटा रीड करना है तो रीड बार भेजेगा, राइट करना है तो राइट बार भेजेगा। तो रीड और राइट की तो कहानी ही है। अब अगर ये 00 है तो 16 बिट हमारी एक साथ आएंगी, मतलब ऑड बैंक अगर रीड होना है तो ऑड बैंक से निकलेंगी, D15 टू D8 से हमें 8 बिट यहाँ से मिल जाएंगी और 8 बिट हमारी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, 8 बिट D15 टू D8 के द्वारा और 8 बिट ये, तो जो D15 टू D8 के द्वारा मिलेंगी वो हायर ऑर्डर बिट्स हो जाएंगी और जो D7 टू D0 के द्वारा मिलेंगी वो लोअर ऑर्डर बिट्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमारा BHE बार और A0 01 है तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, 8 बिट आएंगी किसमें, ऑड मेमोरी बैंक में। अगर BHE बार, यहाँ पे BHE बार A0 भी होगा, अगर BHE बार A001 है तो हमारा 8 बिट का डाटा केवल या तो रीड होगा या राइट होगा किसमें, ऑड मेमोरी बैंक से। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा BHE बार A001 है तो केवल हमारा ऑड मेमोरी बैंक काम करेगा, यानी ऑड मेमोरी बैंक ही या तो डाटा देगा या डाटा लेगा किसके द्वारा, D15 टू D8 के द्वारा। सिमिलरली BHE बार अगर A010 है तो 8 बिट का डाटा एक्सेस होगा, मतलब या तो रीड होगा या राइट होगा किससे, मेमोरी इवन मेमोरी बैंक से। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि 01 के केस में ऑड मेमोरी बैंक काम करेगा और 10 केस में इवन मेमोरी बैंक काम करेगा। नेक्स्ट इज 11, अगर 11 है दोनों तो हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, यानी डाटा ना तो अंदर जाएगा ना डाटा बाहर आएगा। तो कहने का मीनिंग यह है कि अगर 16 बिट का डाटा है एक साथ हमें पहुंचाना है तो वो ऑफकोर्स दो मेमोरी लोकेशन में जाएगा, अपर बाइट जाएगी ऑड बैंक में और लोअर बाइट जाएगी इवन बैंक में। ठीक है, लेकिन कब जाएगी, हमें BHE बार और A0 को 00 करना पड़ेगा। अगर आपको एक एक करके भेजना है तो वो कैसे होगा, वो सिंपल सी बात है, लोअर बाइट किसके द्वारा, इवन बैंक में, तो पहले लोअर बाइट जाएगी यानी पहले इवन बैंक एक्टिवेट होगा, यानी पहले आपको 10 करना पड़ेगा फिर आपको 01 करना पड़ेगा ऑड बैंक अपर बाइट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और अगर आप 11 करते हैं तो आपका डाटा ना तो अंदर जाएगा ना डाटा बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो यही है बात। अब देखो 8 बिट का के डाटा को, अगर डाटा हमारा 80 बिट का है तो उसको रीड या राइट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को केवल एक ही साइकिल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, लेकिन डाटा अगर 16 बिट का है, अगर डाटा हमारा 16 बिट का है तो 16 बिट के डाटा को रीड या राइट करना है। ठीक है, अगर 8 बिट का डाटा है तो एक ही साइकिल में काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 16 बिट का डाटा है तो 8086 को एक या दो मशीन साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी, दो एक या दो मेमोरी साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दो मशीन मेमोरी साइकिल की ज़रूरत पड़ेगी या एक की ज़रूरत पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा लोअर बाइट पे कि लोअर बाइट हमारी इवन एड्रेस पे है या ऑड एड्रेस पे है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने अभी क्या बताया कि अगर हमारा 8 बिट का डाटा है केवल, तो उस 8 बिट को उस 8 बिट के डाटा को रीड या राइट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो किसी भी में भी जा सकता है, इवन में, अलिया में भी जा सकता है, ओड में भी जा सकता है।
ठीक है, सिंपल। आप उसको रैंडमली भी स्टोर करवा सकते हैं, या आप वो कैसे जाएगा, जैसे 00004H भरी हुई तो फिर वो किस में जाएगा, 00005H में जाएगा। लेकिन अगर 16 बिट का डाटा है तो एक मशीन, एक मेमोरी साइकिल लगेगी या दो लगेगी, ये डिसीजन किसके बिहाफ पे होगा कि हमारा लोअर बाइट, यानी उस अगर 16 बिट डाटा है तो उसके 16 बिट डाटा की जो लोअर बाइट है, लोअर 8 बिट्स हैं, वो कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, कैसे, अगर लोअर, अगर 16 बिट डाटा की लोअर बाइट, लोअर बाइट मतलब लोअर 8 बिट्स इवन एड्रेस, इवन मेमोरी बैंक में स्टोर है, और अपर बाइट ऑड मेमोरी बैंक में स्टोर है, तो सीपीयू को एक मेमोरी साइकिल की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए डाटा को इसी प्रकार ही स्टोर करना बेहतर है। क्यों, देखिए, अब देखिए, देखिए आप सभी को दिख रहा है कि हमारा लोअर 8 बिट इधर स्टोर है इवन बैंक में, अपर 8 बिट ऑड बैंक में स्टोर है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि होना भी यही चाहिए। तो अपर 8 बिट अगर हमारी इवन बैंक में है और लोअर 8 बिट ऑड बैंक में, तो माइक्रो प्रोसेसर का एक मेमोरी साइकिल में काम चल जाएगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑड बैंक ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है, इवन बैंक इससे कनेक्टेड है। तो अगर लोअर 8 बिट इसमें, लोअर मैंने क्या बताया, लोअर बाइट भी डिपेंड करेगा कि एक मेमोरी साइकिल लगेगी दो लगेगी। अगर ऑलरेडी इवन बैंक में हमारी लोअर 8 बिट स्टोर है ही है, ठीक है, इसका मतलब अपर 8 बिट इसमें है, तो माइक्रो प्रोसेसर, जो माइक्रो प्रोसेसर को एक ही मेमोरी साइकिल में काम चल जाएगा, ठीक है, डाटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज बेटर वे, ये बेस्ट तरीका है डाटा को स्टोर करने का या डाटा को रीड करने का। लेकिन अगर हम वाइसी वर्सा सोचें कि अगर हमारी लोअर 8 बिट, लोअर बाइट मतलब इसमें ना होके इसमें है, ठीक है, और अपर 8 बिट इसमें है, ठीक है, लोअर 8 बिट इसमें है, अपर 8 बिट इसमें है, तो माइक्रोप्रोसेसर को दो मेमोरी साइकिल लगेंगी। वो क्यों लगेंगी, वो इसलिए लगेंगी, पहली मेमोरी साइकिल लोअर बाइट को D15 D8 के द्वारा एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है, यानी पहली मेमोरी साइकिल होती है लोअर बाइट को D15 टू D8 द्वारा एक्सेस की जाती है। ठीक है, और दूसरी मेमोरी साइकिल की जरूरत क्यों पड़ती है, अपर बाइट को D7 टू D0 द्वारा एक्सेस करने के लिए पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उल्टा हो गया ना भाई, लोअर 8 बिट है इसमें और अपर 8 बिट है इसमें, और किससे कनेक्टेड है वो, लोअर से, इन अपर 8 बिट इसमें है लेकिन वो लोअर डाटा बस से कनेक्टेड है, हायर 8 बिट इसमें है लेकिन वो इससे है, तो उल्टा हो गया। तो पहली मशीन मेमोरी साइकिल लगती है लोअर 8 बिट को इसके द्वारा, लोअर 8 बिट इसमें है ना, तो लोअर 8 बिट को इसके द्वारा एक्सेस किया जाता है और अपर 8 बिट को इसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, अलग अलग काम होता है, तो इसलिए दो मेमोरी साइकिल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन था, सिंपल मैं एक बार आपको समराइज कर देती हूँ कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर हमारा 16 बिट का प्रोसेसर होता है, उस 16 बिट के लिए मतलब पूरा जो मेमोरी होती है उसका 1 MB होती है, तो 1 MB में जितनी भी मेमोरी, जितनी भी लोकेशंस होती हैं, हर लोकेशन 8 बिट का डाटा स्टोर करती है। लेकिन हमारा डाटा क्योंकि 16 बिट का होता है, तो 16 बिट के डाटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ होती है, उस मेमोरी का इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए पूरी मेमोरी को, 1 MB की मेमोरी को दो बैंक्स में बांटा जाता है, इवन बैंक और ऑड बैंक, इवन मेमोरी बैंक एंड ऑड मेमोरी बैंक। इवन मेमोरी बैंक में इवन वाले एड्रेसेस होंगे, ऑड मेमोरी बैंक में ऑड वाले एड्रेसेस होंगे। ठीक है, अब हमारा डाटा इवन बैंक में जाएगा या ऑड बैंक में जाएगा, या इवन से आएगा या इवन ऑड से आएगा या एक साथ जाएगा, तो ये सब डिसाइड कौन करता है, BHE bar A0। अगर दोनों 00 हैं तो 16 बिट का डाटा मेमोरी बैंक से निकलेगा या मेमोरी बैंक को जाएगा। अगर 01 है तो ऑड मेमोरी बैंक काम करेगा, अगर 10 है तो इवन मेमोरी बैंक काम करेगा, मतलब डाटा या तो इसमें जाएगा या डाटा आएगा। इट डिपेंड्स ऑन कंट्रोल सिग्नल, रीड बार एंड राइट बार, जो कौन इशू करता है, माइक्रो प्रोसेसर इशू करता है, एंड लास्ट 11 के केस में कोई काम नहीं होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर 8 बिट का डाटा है तो वो यहाँ जाए या यहाँ जाए, माइक्रो प्रोसेसर को एक ही मेमोरी साइकिल में काम हो जाएगा, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता चाहे कहीं भी जाए। बट अगर 16 बिट का डाटा है तो एक मेमोरी साइकिल लगेगी उसको एक्सेस करने के लिए, ये दो मेमोरी साइकिल लगेगी, ये डिपेंड करेगा कि हमारा लोअर बाइट कहाँ पे स्टोर है।
ठीक है, अगर उस 16 बिट डाटा की लोअर बाइट यहाँ पे स्टोर है, इवन बैंक में स्टोर है, और अपर बाइट ऑड बैंक में स्टोर है, ठीक है, अपर बाइट यहाँ पे इसमें जो किससे कनेक्टेड है, अपर वाले से ही, लोअर बाइट यहाँ पे स्टोर है जो किससे कनेक्ट है, लोअर डाटा बस से, तो इट मीन्स एक मेमोरी साइकिल में कम चल जाएगा। लेकिन अगर उल्टा है, यहाँ पे लोअर बाइट है, यहाँ पे अपर बाइट है, तो दो मेमोरी साइकिल लगेंगे। पहली मेमोरी साइकिल इस वाली बाइट को, लोअर बाइट को D15 से D8 द्वारा एक्सेस करने के लिए की जाती है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अपर बाइट को एक्सेस करने के लिए, इसके द्वारा एक्सेस करने के लिए की जाती है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, पेपर में आ सकता है, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमारा डाटा स्टोर होता है। आज के लिए इतना ही, कल के लेक्चर में हम एड्रेसिंग मोड्स पढ़ेंगे।